वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा वॉइस ओवर की मेन कैटेगरीज के बारे में। वॉइस ओवर की जो मेन कैटेगरीज है उन कैटेगरीज को हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहली कैटेगरी ई लर्निंग। ई लर्निंग एक हिसाब से हो गया एजुकेशनल कॉन्टेंट। अब ये ई लर्निंग जो है वो कॉर्पोरेट लेवल पे भी हो सकता है, स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज उनके लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा और भी आप देखते हैं आजकल ऐसे काफी ई लर्निंग कोर्सेज होते हैं, तो एजुकेशनल कंटेंट वो कैटेगरी हो गई ई लर्निंग। ई लर्निंग के बाद दूसरी कैटेगरी नरेशन। एग्जांपल के तौर पे आप कंसिडर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्री, जितनी भी आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, या फिर जो एक हिसाब से वीडियो चल रहा है उसके साथ में जो नरेशन हो रही है। तो सेकेंड कैटेगरी जो हमने डिस्कस की वो है नरेशन। तीसरी कैटेगरी स्टोरी टेलिंग। यहां पे आप कोई कहानी बताते हैं, कहानी को नरेट करते हैं, स्टोरी। अब ये एक नॉर्मल स्टोरी की तरह भी हो सकती है या फिर बच्चों की कहानियां, किड स्टोरीज। आपने आजकल देखा होगा यूट्यूब पे ऐसे काफी चैनल्स होते हैं जिसमें बच्चों की कहानियां होती है एनिमेशंस के साथ, या फिर आजकल ऐसी काफी मोबाइल एप्स भी होती है। तो ये कैटेगरी हो गई स्टोरी टेलिंग। अब हम आते हैं चौथी कैटेगरी ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स एक हिसाब से किताबों का ऑडियो वर्जन। जैसे पहले जमाने में किताब हुआ करती थी, फिर ई बुक्स का एक दौर आया, अब ऑडियो बुक्स का दौर आ गया। तो ऑडियो बुक्स में जो नरेशन स्टाइल होता है, या फिर कह सकते हैं ऑडियो बुक्स में जो वॉइस ओवर का स्टाइल होता है, अब आप खुद बताइए ऑडियो बुक कैसी होगी। या तो कुछ एजुकेशनल कॉन्टेंट होगा, या फिर कुछ फिक्शनल हो सकता है, नॉन फिक्शनल हो सकता है, या कोई कहानी हो सकती है। तो ऑडियो बुक में जो स्टाइल होता है वॉइस ओवर का, वो या तो ई लर्निंग के जैसा होगा, या नरेशन के जैसा होगा, या फिर स्टोरी टेलिंग के जैसा होगा। तो हमने अभी तक चार कैटेगरीज डिस्कस की है वॉइस ओवर की। अब हम आते हैं पांचवी कैटेगरी पे। पांचवी कैटेगरी है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स। अब एडवर्टाइजमेंट चाहे रेडियो पे चले, चाहे टेलीविजन पे चले, टेलीविजन कमर्शियल टीवीसी, चाहे वो वेब पे चले, जो आप कभी कोई यूट्यूब की वीडियो देखते हैं तो उससे पहले एक एड आती है, अगर उसके पीछे कोई वॉइस ओवर है जिसको आप स्किप करते हैं या स्किप नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसी भी एड्स होती है। तो चाहे वो कहीं पे भी चले, दोबारा मैं दोहराता हूं, रेडियो टीवी वेब, तो वो कैटेगरी हो गई कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की। अब हम बात करते हैं छठी कैटेगरी, सिक्स्थ कैटेगरी, वो है एक्सप्लेनर वीडियो। आपने आजकल ये देखा होगा जैसे काफी ऐसी मोबाइल एप्स होती है, उनके जब आप प्ले स्टोर पे जाते हैं तो एक वीडियो होता है, और वीडियो को जब आप प्ले करते हैं तो वो वीडियो आपको बताता है कि कैसे उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है। तो वो एक हिसाब से हो गया एक्सप्लेनर वीडियो। मोबाइल एप्लीकेशंस के अलावा जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट के एक्सप्लेनर्स होते हैं, मतलब उस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करा जा सकता है। अब वो चाहे इंग्लिश में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, कोई और भाषा में हो सकता है। तो ये हो गया एक्सप्लेनर वीडियो। अब हम बात करते हैं आखिरी कैटेगरी IVR, इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पॉन्स। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आजकल जैसे कोरोना को आए हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, 2021 चल रहा है अभी, तो जब आप किसी को कॉल करते हैं तो एक कॉलर ट्यून कह सकते हैं इसे, या फिर एक ऑटोमेटेड वॉइस मैसेज जो होता है उसको हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पॉन्स IVR। तो ये जो है लगभग मेन सारी कैटेगरीज है, और इसके अलावा पॉडकास्ट भी है। पॉडकास्ट एक हिसाब से उसमें स्टाइल या तो नरेशन का हो सकता है, या स्टोरी टेलिंग का हो सकता है, या फिर उसमें ई लर्निंग स्टाइल हो सकता है। तो ये मेन कैटेगरीज थी वॉइस ओवर की, दोबारा दोहराते हैं, ई लर्निंग, नरेशन, स्टोरी टेलिंग, ऑडियो बुक्स, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स, एक्सप्लेनर वीडियोज और IVR।